तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डंके की चोट पर। देखिए, एक महिला है जो पिछले कई दिनों से आशियाने की तलाश कर रही है। सबसे पहले हम आपको बरही की मीना का दर्द दिखा देते हैं, उसके बाद हम मीना से एक बार लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने फोन लाइन पर। पहले एक बार ये रिपोर्ट देख लीजिए। तो मैं वो रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको उसका थोड़ा मजमून सिखा देता हूं, मजमून बता देता हूं। मजमून उसका यह है कि मीना है जो एक विधवा है और परेशान है, और कई सालों से वो एक अदद आवास के लिए सरकार से फरियाद लगा रहे। तो भैया वो रिपोर्ट अब हम आपको दिखा देते हैं कि भैया रिपोर्ट में आप मीना के दर्द को समझ लीजिए। ये तस्वीर है बरही के चौपारण प्रखंड के बनुआ गांव की। एक विधवा महिला पक्के मकान के लिए तरस रही है। बारिश में कच्चा मकान गिर जाने की बात से विधवा महिला बेघर हो चुकी है, खुले आसमान में खाना बनाने को मजबूर है। इसी घर में रहते हैं। क्या परेशानी है? पूरा टूट गया है मकान, चारों बगल एकदम पानी छूता है, दो ठो बच्चा है, कैसे रहेंगे? तो बाहर में रहते हैं, धूप रहता है तो, और पानी मारता है तो मंदिर बने रहते हैं, जबकि किसी के छज्जा पास रहते हैं। खाना ना पानी मारता है तो ऐसे रहते हैं, नहीं तो फिर पानी जाता है तो खाना बनाते हैं पूरा उसी तरह भींग भींग के। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए विधवा महिला मुखिया से लेकर प्रखंड कार्यालय तक का चक्कर काट चुकी है। हर जगह से महिला को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। मैं नाम देने दिए थे और किसी कारण अनुमंडल BDO साहब या उसके स्टाफ के द्वारा इनके प्रस्तुत सूची में नाम किसी कारण नहीं जुट पाए, और हम लोग सरकार से भी मांग किए थे जिन जिन लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास एप्स में नाम छूट गया है, हम लोग मांग किए हैं, और वो SSC डाटा पुनः वैसे लाभुक जो गरीब निहायत है, जिनका घर नहीं है, जिनका रहने के लिए घर नहीं है, वैसे पुनः आदेश आ गया है, हम लोग प्रतिष्ठा सूची में नाम करें। हम एक बार अंचल से और अपने ऑफिस से एक बार चेक करवा लेंगे कि उनका आपदा में मुआवजा के लिए भुगतान हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो प्रखंड में जो भी नियम संगत हम उनको लाभ दे सके उस पर हम करेंगे। एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचने की बजाय सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। न्यूज 11 भारत के लिए बरही से वीरेंद्र शर्मा। और हमारे साथ मीना फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। मीना जी, सबसे पहले तो आपको आज झारखंड के 3.25 करोड़ जनता देख रही है, सुन रही है, ठीक है? आप सबसे पहले न्यूज 11 को बताइए कि आपको कौन कौन सी जो योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं मिल रहा, आपने कौन कौन सी योजनाओं की मांग की है? मीना जी, हमको तो कुछ नहीं योजना मिल रही है, हमको तो छत भी नहीं रहने के लिए है। अच्छा। हम कई सालों से हम गुहार लगा रहे हैं, ये भी दिए जितना है उस सब से हम लगा रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। मेरा पास फिलहाल तो घर नहीं है रहने के लिए, नहीं दूसरे घर रह रहे हैं, वो भी अभी निकालने वाले हैं कि अब निकल जाए, ठंडा में हम कहाँ जाएंगे? विधवा पेंशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलता है। तो आप अंचल जाकर के, मतलब अंचल के जो यूं समझिए कि जो प्रखंड कार्यालय BDO से जाकर के मिली, या वहाँ पर जो जितने अधिकारी हैं, बड़ा बाबू वगैरह, उन लोगों से मिली? हाँ, सबसे मिल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, कोई तो सुनिए नहीं रहे हैं। आधार कार्ड बना हुआ आपका? हाँ, आधार कार्ड तो है, लेकिन बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। आधार कार्ड होने से क्या हो रहा है, हम सब दौड़ रहे हैं, मुखिया पास जा रहे हैं, उसका बच्ची जो वीडियो जो होता है उसके पास जा रहे हैं, उनके पास भी कुछ नहीं हो रहा है। मुखिया 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 क्या बोले मुखिया से, जब आप मांगी ये सब चीज तो कुछ जब कोई सुनिए नहीं रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि होगा होगा, कब होगा, 2-3 साल हो चुका है, अभी तक ले कुछ नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे हम? अच्छा, चलिए हम कोशिश कर रहे हैं मीना जी कि आपको ये सुविधाएं मिल जाए। आपकी खबर को हम दिखा रहे हैं, हमारे साथ वीडियो प्रेमचंद सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद जी, देखिए बरही की एक महिला है मीना, जो कि विधवा है, वो कह रही है कि वो लगातार प्रखंड कार्यालय जा रही है, किसी दूसरे के घर में रह रही है, उनके पास एक घर तक नहीं है सर, विधवा पेंशन भी नहीं मिलता सर, उनके लिए व्यवस्था करवा दीजिए प्लीज, न्यूज 11 भारत आपसे रिक्वेस्ट करता है। सर, ये आपको अच्छी तरह से मैं जानता हूँ सर जी, एक बार और इस तरह की आप कॉल किए थे जी, आपके बोले थे कि कर दिए हैं, कर चुके थे और आपको खबर बाद में दी गई है जी, तो जिनके बारे में आप बोल रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हमारी। अच्छा, ये अगर मिल जाती है तो सरकार से, तो मैं मीना जी को बोलूं कि एक बार आपसे कल जाकर के वो मिलने, कल या परसों में, कल गुरु पूर्णिमा का छुट्टी है, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग है
जी, कल के बदले परसों। मैं बिल्कुल, चलिए मैं मीना जी से भी रिक्वेस्ट कर दूंगा, मैं इस खबर का लिंक भी आप तक भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, ताकि सर आप इनकी पहचान कर लें कि भाई यही है, ताकि आप इनकी मदद कर सकें सर, है ना। अगर बरही के होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, ब्लॉक के हैं। चलिए बहुत शुक्रिया प्रेमचंद जी, बहुत शुक्रिया प्रेमचंद जी। मीना जी देखिए, वीडियो साहब ने कहा है कि सोमवार को आपकी मदद हो जाएगी, आप एक बार इनसे जाकर के मिल लेंगे चौपारण प्रखंड कार्यालय में। मीना जी ठीक है, ठीक है, अब खुश है, सोमवार को आपका काम हो जाएगा, सोमवार को आपको आपकी सुविधाएं कम से कम उसकी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। अरे इतना दिन से दौड़िए रहे हैं तो अब देखते हैं जाके क्या होता, नहीं होगा तो फिर लास्ट में वही होगा, नहीं कुछ मिलेगा सुबह तो वही लास्ट में नहीं होगा तो न्यूज 11 भारत है ना आपके साथ, हम लोग आपके साथ हैं, आपके लिए लड़ेंगे, चिंता नहीं करना है। लेकिन सोमवार को एक बार जाकर के आप वीडियो साहब से जरूर मिल लीजिएगा, ठीक है, और मैं हमारे संवाददाता को भी बोलूंगा कि वो आपके साथ चले जाएंगे, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। हमको खाली छत होना चाहिए, विधवा पेंशन होना चाहिए। ना ना, जो 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 आपका हक है, जो जो योजना का आपको लाभ मिलना चाहिए, वो तमाम चीजें आपको मिल जाएगी। चलिए मीना जी बहुत शुक्रिया आपका, हम कोशिश करते हैं बदलाव लाने की, हमने कोशिश की है कि मीना की जिंदगी का जो अंधेरा है उस अंधेरे को दूर करें, ताकि उनके सर पर कम से कम एक छत आ सके। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो साहब ने जो बोला है वो अपनी बात पर कायम रहेंगे और सोमवार को इसकी शुरुआत हो जाएगी। बदलाव कहीं से भी हो, किसी भी तरीके से हो, ये हम चाहते हैं कि बस वो बदलाव आनी चाहिए, चाहे वो मेरे थ्रू आए, न्यूज 11 भारत के थ्रू आए, आपके थ्रू आए, ये एक बदलाव की कोशिश है, हम ऐसे ही बदलाव की कोशिश में जुटे रहते हैं। फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।